समझौता खत्म करो, हमारा समझौता खत्म करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राजस्थान पटवार संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान पटवार संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, आवाज दो आमेन है। जनता के हित को कभी तत्पर है, लेकिन 28 अगस्त से लेकर अब तक जनता है कि परेशान हुए जा रहे हैं। पटवारी हो, गिरदावर हो, तमाम तहसील के यहाँ पर परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार है कि सुनना नहीं चाह रही है। आखिर कैसी 7 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर ये तमाम पटवारी और गिरदावर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। सीएम के हाल ही में सभा ब्यावर में हुई है, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है। ज्ञापन सौंप दिया गया, लेकिन किसी तरह की राहत नहीं। जनता परेशान है, इधर ये परेशान है, सरकार अब तो सुन लीजिए। हमारे बीच तमाम पटवारी और गिरदावर यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं आखिर किस कारण से ये धरना दिया जा रहा है और कितने लंबी पुरानी ये मांग है। लोकेश मीणा जी, आपका शुभ नाम और पहले पद बताइए। लोकेश कुमार मीणा, गिरदावर सोनडिया। आखिर आपकी क्या क्या मांगे हैं जो सरकार के समक्ष आपने रखी है? हमारा राजस्थान सरकार से 23/4/2023 को मुख्यमंत्री जी महोदय की अध्यक्षता में एक लिखित समझौता हुआ था, 7 मांगे थी, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। इसी के लेकर ये पेन डाउन चल रहा है, हम संपूर्ण पेन डाउन कर रखा है, किसी प्रकार का कार्य हम नहीं कर रहे हैं। हमारी जो मांग है, सीधी भर्ती जो RTS आते हैं उनको तहसीलदार पद में ही लगाया जाए, नायब तहसीलदार पद पर नहीं लगाया जाए। और नायब तहसीलदार की जो है 100% जो प्रमोशन से ही नायब तहसीलदार बनने चाहिए, RTS को जो लगाते हैं वो गलत है। और हमारी वरिष्ठ पटवारी का अवलोकन करना था, और 9/18/27 जो सरकार को लागू करनी थी वो चयनित वेतनमान, उसको सरकार लागू नहीं करी, जबकि बजट में भी पटवारी से बोलने से और नायब तहसीलदार पदों पर कैडर पुनर्गठन का जो मांग थी वो भी समझौते में शामिल थी, उस पर भी सरकार ने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी। और नायब तहसीलदार की 70% पदोन्नति से करें, और पटवारी का जो स्थानांतरण नियम 9 है उसके तहत ही करें, यानी कोई पटवारी प्रार्थना पत्र दे तो उसका करें। आपके एक पटवारी को बाड़मेर वाले को ब्यावर लगा देते हैं, ब्यावर वाले को बाड़मेर भेज देते हैं, जो कि गलत है, जबकि पटवारी वहाँ जाना ही नहीं चाहता, तो फिर उसको ज़बरदस्ती नहीं भेजा जाए। ये नियम है, इस नियम को सरकार ने खत्म कर दिया था, और पटवारी के ग्रेड पे जो है उसको L8 किया जाए, ये 7 मांगे हमारी, और इसका लिखित में समझौता माननीय मुख्यमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हो रखा है। लेकिन लोकेश जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये 7 सूत्री मांगों के भीतर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूरे समझौते भी बीच में हो चुके हैं, वादा भी किया गया, तो क्या ऐसा कि वादा खिलाफी हो रही है या इसमें समय लगने का कारण क्या मानते हैं? वादा खिलाफी ही है, हमारा काम नहीं कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी ब्यावर में पधार कर जा चुके हैं, ऐसे में क्या आपकी कोई मुलाकात हुई पाई है, कोई आश्वासन मिला है या मुलाकात ही नहीं हो पाई? हमने माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी को ज्ञापन देने के लिए प्रयास किया था, लेकिन अंतर नहीं दे पाए थे। उनके जो PS थे उनको ज्ञापन दिया है और उन्होंने ज्ञापन रख भी लिया है, अब उस पर क्या कार्रवाई होती है वो तो समय ही। अब इस बीच में आप देख रहे हैं कि तमाम जनता है जो परेशान हो रही है, तो क्या अगला कदम जनता के हित में आपकी तरफ से कोई उठाया जा सकता है? ये प्रांत का निर्णय है, जब उनका निर्णय रहेगा उसी के अनुसार हम काम करेंगे। बड़ा हमें भी दुख होता है क्योंकि हम ये किसान पुत्र हैं, जब ये किसान इधर से उधर घूमता है, लेकिन जब माननीय सरकार हमारे लिखित समझौतों को लागू नहीं कर रही है तो फिर मजबूरन हमें ऐसा करना है। इनके समर्थन में नारायण पवार जो कि पेंशनर समाज से हैं, वो भी धरने प्रदर्शन में इनको समर्थन दे रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आखिर आपका समर्थन इनको क्या है? नमस्कार, नारायण सिंह कुमार, पेंशन समाज अध्यक्ष ब्यावर। सर, ये कर्मचारी हैं और हम भी कभी कर्मचारी थे, और इन पटवार संघ की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है कि जो RS पे लगाते हैं उनको RS तहसीलदार ही बनाया जाए, क्यों दूसरे प्रोफेशंस को रोका जाए। तो इनकी जो 7 सूत्री मांग है वो वाजिब है, सरकार को सुनना चाहिए, इनकी मांगों को मानना चाहिए। हम इनके समर्थन में आज यहाँ आए हैं और हमारा पूरा समर्थन है, आगे और भी जैसी जरूरत होगी हम इनको पूरा समर्थन देंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्ष है, लेकिन जनता परेशान हो रही है। कई महिला प्रतिनिधि भी है जो विरोध प्रदर्शन में अपना समर्थन दे रही है, तो ऐसे में कई हितकारी बातें हैं जो कि जनता के हित में भी है, इनके हित में भी है, लेकिन सरकार है कि सुनना नहीं चाहती। हाल ही में CM की सभा के दौरान भी किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिलना कहीं ना कहीं चिंता जाहिर करता है। 28 अगस्त से लेकर लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन इसके रुकने के, इसके समाप्त होने के कोई संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे। कैमरामैन विष्णु जलवानी के साथ कुलभूषण उपाध्याय, जे इसका न्यूज़।